बेकार पड़े पॉलिथीन से एक कट लगाइए और आपके घर के सारे काम हो जाएंगे और पॉलिथीन को आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। यहाँ पे हम रिसाइकल कर लेते हैं और हमारी पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, जो हम लोग फेंक देते हैं, जो हम कूड़ेदाने में फेंक देते हैं और उससे जानवर वगैरह खा लेते हैं और मर भी जाते हैं और हमारी पर्यावरण बहुत ही खराब होती है। चलिए आज इस तरह से कुछ काम करते हैं। बहुत ही अच्छी वाली टिप्स लाई हूँ जिसको आप देखने के बाद बिल्कुल बेकार वाली पॉलिथीन को नहीं फेंकेंगे। वीडियो में चलो आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आएगी तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल में नए तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ जो इतनी सुंदर सुंदर है, आपके किचन में और घर पे हमेशा रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉलिथीन को निकले आए दिन घर पे हमारी कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह पॉलिथीन में आ ही जाती है। हम जितना भी सतर्क रहे लेकिन कुछ कुछ वेंडर्स जो होते हैं वो पॉलिथीन बेचते हैं और यहाँ पे हमें लेना भी पड़ता है। तो इस तरह से हमें पॉलिथीन, रंग बिरंगी पॉलिथीन हमारे घर पे आ ही जाती है। कुछ भी आप लेकर आए, सब्जी फल फूल कुछ भी लेकर आते, कुछ कुछ वेंडर्स बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पॉलिथीन यहाँ पे अच्छा होता है और कुछ कुछ पॉलिथीन बुरा होता है। ये पॉलिथीन जो है मोटा वाला पॉलिथीन है, कैरी बैग है, जो जितने भी सामान आप वजनदार लो ये बिल्कुल टूटेगा नहीं। इस तरह से मोटा वाला कैरी बैग होता है। इससे मैं क्या करने वाली हूँ आप ध्यान से देखिए। इस तरह के मोटे वाले कैरी बैग अगर आपके पास होती है, अगर है तो आप इस तरह से बहुत ही यूजफुल काम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मत फेंकिए। और यहाँ पे देखिए हम कुछ भी सामान लाते हैं तो कैरी बैग के पैसे भी वो लोग लेते हैं, तो उसी पैसों को हम क्यों बर्बाद करें, इसको हम काम पे हमारे घर पे लगा लेते हैं। मैंने आगे पीछे का हिस्सा काट लिया और बीच का हिस्सा भी मैंने यहाँ पे काट ली। देखिए इस तरह से काट के मैं इसको लंबाई में कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे एक लंबाई में एक बहुत ही अच्छी वाली शीट जैसे हो गई। तो इसका हमें यूज कहाँ पे है देखिए दोस्तों, हमारे किचन में हम हमेशा जो सेल्फ में सामान रखते, डब्बे वगैरह रखते, जो हमारी ग्रोसरी वगैरह रखते हैं उसके ऊपर हम सेल्फ के ऊपर हम न्यूज़पेपर रखते हैं। तो बीच बीच में हमारे क्या होता है, ये न्यूज़पेपर गंदा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे न्यूज़पेपर पूरा गीला हो जाता है और उस जगह पूरा गीला होता है या न्यूज़पेपर खराब हो जाते हैं, फिर से हमें निकालनी पड़ती है। आप इस तरह से करेंगे, अगर न्यूज़पेपर डाल रहे तो सही बात है, उसके ऊपर इस तरह की पॉलिथीन को आप सजा लीजिए ताकि आप अपनी ये किचन की जो ग्रोसरी वगैरह रख सकते हैं और जब भी ये हमारी तेल की चिकनाई लग जाए और डस्ट वगैरह हो जाए, इसको डस्टिंग करने के टाइम इस तरह से साफ कर सकते हैं, पेपर खराब नहीं होगी। ये हमारे काम पे आ गया। आई होप छोटा सा टिप्स आप लोग को पसंद आए। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरह। यहाँ पे देखिए और एक पॉलिथीन है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा ये फटा हुआ है। तो इसे फटा होने के बावजूद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्यों मुझे फेंकना नहीं है, क्योंकि जानवर वगैरह खा लेते हैं, इससे हमें बचानी है जानवर को। तो बाहर नहीं फेंकनी है, मतलब बहुत ही गंदा दिखता है पॉलिथीन जब कूड़ेदान में पड़ती है। तो यहाँ पे हम हमारी काम पे लगा लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ आप देख सकते हैं, जब भी हमारे आचार वगैरह कहीं पे ट्रैवलिंग में जाते हैं, कुछ तेल वाली चीजें लेते हैं, तो इसकी ढक्कन जो ढीली हो जाती है और लीकेज हो जाती है। इस तरह से आप पॉलिथीन के बांध के ले सकते हैं। तो तीसरी वाली यहाँ पे देख लेते हैं, और एक पॉलिथीन ले आई, ये बहुत ही पतली वाली पॉलिथीन है। तो मैं यहाँ पे इसका मुंह के हिस्से को काट लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मुंह की हिस्सा और यहाँ पे देखिए बीच में से काट रही हूँ। यहाँ पे हम इतने सुंदर सुंदर आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि हमारी चीजें बिल्कुल खराब नहीं होगी, कबाड़ से जुगाड़ तो हमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आगे और पीछे का हिस्सा मैंने काट लिया। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज नाम, अपने शहर का नाम, गाँव का नाम, गली का नाम प्लीज बताइए, मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, आप कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ से हेल्प भी हो रहे हैं। तो इस बीच में मैंने अपनी पॉलिथीन को देखिए काट लिया, मैंने आप लोगों के साथ बात की करने के बीच में मेरी पॉलिथीन की कटिंग हो गई। तो कटिंग होने के बाद इस पॉलिथीन को, बहुत ही पतला वाला पॉलिथीन है, ये हमारे सबसे जरूरी काम हमारे घर पे होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे निकाल दी। देखिए आजकल बारिश की मौसम चल रही है तो नमक वगैरह पानी हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत होती है, हमारे वेदर में बहुत मॉइस्चर होती है, तो हमारे जो नमक वगैरह डब्बा होता है उसको हम इस तरह से पॉलिथीन से क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे ताकि एयर ना लगे और हमारी नमक पानी ना हो, पानी हो जाता है हमारे नमक। तो चलिए अगले बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल पॉलिथीन की यूज कहाँ पे है देखिए, इस तरह से और एक पॉलिथीन ले लेती हूँ, पतली वाली पॉलिथीन, ठीक है। यहाँ पे हमारी झाड़ू है, झाड़ू आजकल इतनी महंगाई है, देखिए दोस्तों झाड़ू की इस तरह की हिस्से में टूट जाती है अक्सर, जितना भी झाड़ू मजबूत झाड़ू हम लाए ना, इसको झाड़ू करते समय ये टूट जाती है। इसको हम क्या करेंगे, इस जो हिस्से है, हिस्सा है जो हम जहाँ पे पकड़ते उसी तरह से उसी हिस्से को हम क्या करेंगे, थोड़े से पॉलिथीन से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे
और अच्छे से इसको टाइट ड्रेस कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, हमें कुछ रस्सी वगैरह बांध दें? नहीं, कुछ नहीं करना है। आयरन को गर्म कर लीजिए और पॉलीथिन के ऊपर इसको बिल्कुल दबाइए मत, धीरे धीरे रख के उठा लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दबा के उठा लीजिए। पूरा रखेंगे तो ये आयरन में आपकी पॉलीथिन चिपक जाएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने कर ली, तो मेरी झाड़ू तो सेफ हो गई, इस जगह से टूटेगी नहीं। अक्सर इसी जगह से झाड़ू टूट जाती है, बहुत ही बड़ा बड़ा हिस्सा टूटता है, हमारी झाड़ू जल्दी खराब हो जाती है, कम हो जाती है, पतली हो जाती है। इस तरह से हमारी झाड़ू को हम लोग बचा सकते हैं और हमारी झाड़ू करते समय हमें दिक्कत भी नहीं होगी, ये टूटेगा नहीं। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरह, ये तो बहुत ही कारगर वाली टिप्स है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे घर पे कांच के बर्तन होते हैं, जैसे कि कांच की कटोरी हो गई, कांच की गिलास हो गई। कभी कभी हम स्पेस बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कांच की गिलास को, कटोरी को उसके ऊपर इस तरह से रख लेते हैं। जब भी हम निकालते एक गिलास से, दूसरी गिलास निकलती नहीं है क्योंकि चिपक जाती है। आप जब भी गिलास रख रहे हैं, इसके बीच में एक पॉलीथिन रख लीजिए, उसके ऊपर गिलास रख लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमारे गिलास आपस में चिपकेगी नहीं और टूटेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है, जब भी हम जोर से खींच लेते हमारे गिलास टूट जाती है और हमें चोट लगती है, चीजें हमारी टूट जाती है। तो बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए, क्योंकि मैंने जो चीज हम फेंक देते हैं उसी चीज को हम रीयूज कैसे कर ले, वही आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। ये हमारी और एक बहुत ही यूजफुल टिप्स है। यहाँ पे और एक पॉलीथिन ले ली, अपने हाथ रख के इसमें निशान बना ली। और यहाँ पे जो मैं ये बना रही हूँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, मैंने यहाँ पे पॉलीथिन, पतली वाली पॉलीथिन ले ली और इसको, चाकू को ज्यादा गर्म मत कीजिए, हल्का गर्म करके इसको अपने हाथ शेप में काटिए। तो मुझे एक ग्लोव्स चाहिए थी, एक ही ग्लोव्स चाहिए थी, क्योंकि मेरी बेटी की स्कूल में कॉम्पिटिशन थी। तो एक ही ग्लोव्स नहीं तो एक पेयर ग्लोव्स कोई भी दुकानदार मुझे दिया भी नहीं, और जो जहाँ पे मैं गई वो एक पूरा पैकेट दे रहे थे जिसका दाम 50 से 60 रुपए, मुझे लेना ही नहीं है इतना ग्लोव्स में लेके क्या करूंगी। तो मैंने घर पे इतनी अच्छी वाली आइडिया लगाई, इतनी पतली वाली पॉलीथिन से मैंने क्या किया, इस तरह से मैं अपने हाथ की हाथ रख के इसको निशान बना के अच्छे से चाकू से काट लिया। तो चाकू को धीरे हल्का गर्म करके धीरे धीरे के काटिए, तो ये अच्छे से कट भी जाएगी और चिपक भी जाएगी। तो हमारी एक बहुत ही अच्छी वाली ग्लोव्स बन गई। तो मेरी बेटी की नेक्स्ट डे स्कूल में एक्टिविटी था, इसके लिए एक अच्छी वाली ग्लोव्स उसके लिए बन गई, इसीलिए मेरे हाथ नहीं घुस रही थी, मैं अपने हाथ के हिसाब से छोटा बनाया है ताकि उसके काम पे ये लग जाए। और इंटरेस्टिंग बात है, वो अपने काम पे इस्तेमाल भी उसने कर लिया, ये ग्लोव्स बहुत ही अच्छा काम हुआ और उसके हाथ पूरा सेट हो गए। छोटी सी बच्ची है, छोटा वाला हाथ है, अच्छे से घुस गया। तो है ना दोस्तों, अगर आपको घर पे चाहिए तो आप घर पे बना सकते, एक छोटा छोटा चीज हमको दुकानदार नहीं देते खुले में। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स देखिए, और एक पॉलीथिन ले आई और ये थोड़ा मोटा वाला पॉलीथिन है। देखिए दोस्तों, ये होता है ना, कभी कभी हम अक्सर भी बस में, ट्रेन में कहीं पे ट्रैवल करते हैं, खाना वगैरह भी लेते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी टिफिन वगैरह एक ही पॉलीथिन में डाल देते हैं। अक्सर ये होता है ना दोस्तों, इसके ऊपर नहीं रखेंगे, हमारी टिफिन क्या होती है, जो ढक्कन ढीली हो जाती है, खाना वगैरह लीकेज हो जाती है, दाल वगैरह सब्जी वगैरह लीकेज हो जाती है, और अगर अचार है लिक्विड तेल वेल निकल आती है। तो इसको देखिए, आप इस पॉलीथिन को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही पॉलीथिन में आपकी दो टिफिन आ जाएगी, अगर लीकेज हुई तो एक ही जगह पे रहेगी, दूसरी टिफिन में नहीं आएगी, हमारा टिफिन तो एक खराब नहीं होगा और हमें झंझट नहीं लगेगी, साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आए। देखिये यहाँ पे मेरी काम बहुत ही अच्छे तरह से हो गई, ये पॉलीथिन को मैंने इस तरह से यूज कर ली और आप बैग में अच्छे से डाल सकते हैं, आपकी बैग भी खराब नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स और भी बेहतरीन है। और यहाँ पे एक पॉलीथिन लेके थोड़ा बड़ा वाला लीजिए, इसको मैंने बीच में से काट ली, देखिए पीछे वाले हिस्से की बीच में से काट ली। देखिए दोस्तों, बारिश आ रही है तो बारिश में हम तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है हमें। तो यहाँ पे मैं छेद करके इसको कटिंग करके क्या कर रही हूँ, देखिए हम बारिश में कब, अब आजकल में हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारी बैग वगैरह हम लेकर जाते हैं, अचानक बारिश हो रही है, हमारी बैग तो गीली हो जाएगी, जितने भी फोम हो कहीं ना कहीं तो पानी अंदर चले जाते, डॉक्यूमेंट वगैरह खराब हो जाते, पैसे वगैरह गीला हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम हमेशा हमारी बैग में एक पॉलीथिन हमेशा रखे स्टोर करके, आजकल कहीं पे रास्ते पे बारिश हो रही है तो हम इस तरह से हमारे बैग को इसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी बैग को कैसे डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से आपकी बैग को कैसे ही रख सकते हैं। मैं इस तरह से आइडिया लगाया कि यहाँ से ऊपर से काट ली और इसकी जो हैंडल है इसको इसके अंदर डाल दी और अपनी बैग को इस तरह से कवर कर ली और इस स्लिंग बैग को मैं अपने कंधे में कैरी कर लूंगी। इससे क्या होगा कि हमें हाथ में पकड़ना भी नहीं पड़ा, हमने कंधे में कैरी कर लिया, हमारे बैग गीला नहीं हुआ, बारिश की काम हो गई। हमेशा बारिश में अपनी कहीं पे बच्चों की स्कूल बैग हो, वैनिटी हो, एक
पॉलिथीन आप जरूर रखिए, अपनी बैग को बचाने बचा सकते हैं। तो आखिरी वाली टिप्स ये है दोस्तों, देखिए आजकल जब भी हम क्या करते हैं, घर जब भी हम झाड़ू मारते क्या होते हैं ना, झाड़ू जब भी हम सोफे के नीचे घुसाते हैं, बेड के नीचे घुसाते हैं, अलमारी के नीचे घुसाते हैं, तो उसके अंदर जो बाल वगैरह होती है, गंदगी डस्ट वगैरह होती है, तो वो चिपक जाती है। झाड़ू में चिपकने के बाद हम फिर से झाड़ू से निकालते हैं अपने हाथ लगा के और झाड़ू को धोते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आप ये इस तरह से झाड़ू कर रहे हैं, नीचे वाले सामान में घुसा रहे, इसके ऊपर एक पॉलिथीन डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, अक्सर हम डेली डेली अगर हमारी झाड़ू को धोएंगे ना, हमारी झाड़ू जल्दी खराब हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हम इसके ऊपर एक पॉलिथीन हम बांध लेती है ताकि बाल वगैरह ना फंसे और ज्यादा गंदगी इसके अंदर ना फंसे, हमें धोना ना पड़े। और इसको साफ करने के बाद हम कचरा फेंक देंगे, फिर झाड़ू को निकाल देंगे। कैसा लगा आज का टिप्स, प्लीज कमेंट में बताएं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।